Here is Kapil the Great. Thoko! बड़ा चमक रहा है और बड़ा चिकना लग रहा है तू. Yes bro. Sometimes. पहली शादी आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है. अच्छा? वो बात अलग है. शादी के बाद सारे अधिकार छिन जाते हैं. आप तो मानते ही हैं. अब मैं भी मानता हूँ. तो आप ही देख लो पाजी, अपने भारत में स्पेशली बॉलीवुड में कितनी शादियां हुई. आप सबको पता होता है, मुझे लगता है पिछले साल की बॉलीवुड की सारी कमाई शगुन डालने में चली गई. अब देख लो, अनुष्का विराट, दीपिका रणबीर, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सायना नेहवाल, सब बर्बाद हो गए. अच्छा पाजी देखो, सेलिब्रिटीज की जब शादी होती है तो उनके नाम जुड़ते तो कितने अच्छे लगते हैं. आप देखो जैसे आपको पता है कि विराट अनुष्का को लोग बोलते हैं विरुष्का. ट्विटर पे ट्रेंड करता ना विरुष्का हैशटैग. दीपिका रणवीर को बोलते दीपवीर. निक प्रियंका को बोलते निक्यांका. हम जैसों के नाम जुड़ के ना अजीब से हो जाते हैं. सिया और पार्थ, सियापा. है गोपेश और बरखा, गोबर. शीला और जीत. चल छोड़ो. काका अच्छा, और कपिल और गिनी कैपो गिनी. अच्छा बड़े घर की शादियां ना जो वेल प्लान्ड होती पाजी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें क्या मजा. मजा आता है हम जैसे लोगों की शादियों में. बारात निकलने का टाइम होता है एंड टाइम पे ना एक बंदा तौलिया बांध के बनियान पहनी हुई, सर पे डाई लगी, हाथ में पानी वाला मग पकड़ा है, गुस्से में आता है. कई लोग हलवाई समझ के चाय ऑर्डर करते, चाय लेके आना. बाद में पता चलता है फूफा है लड़के का. उसको पूछते हुआ क्या फूफा का, ये बाथरूम कौन गया था. अजीब अजीब चीजें. शादियों के सीजन में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है. सारे गार्डन, बैंक्वेट हॉल, साल एक एक साल पहले बुक हो जाते हैं भाजी. फिर कभी कभी आपको एन मौके पर रिसेप्शन करनी पड़े ना, तो गलियों के अंदर अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, भवन होते हैं जैसे, उसको बुक कर लेते हैं. जिसको गूगल मैप में भी नहीं आता जो, क्योंकि प्लानिंग से तो बना नहीं होता. वो गूगल कहाँ से पकड़े, गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको. परेशानी उसको आती है जिसका वो कार्ड पे ऊपर नंबर लिखा होता है ना कि फॉर इंक्वायरी इसको कॉन्टैक्ट करें. वो फिर सारा दिन रिश्तेदारों को एड्रेस बता बता के पागल हो चुका होता है. हेलो हाँ जी, कहाँ तक, चौक तक आ गए, वही खड़े भाई. अच्छा वहां से वो दूसरा लेफ्ट मारो, गूगल तो बता रहा है पहला. आपको हमने इन्वाइट किया कि गूगल ने इन्वाइट किया. अच्छा जो आदमी इतना भटकने के बाद शादी में पहुंचता है, अगर उसको मनपसंद खाना ना मिले तो वो बीवी पे भड़क रहा होता है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों की शादी. ये सब खाने आए थे चने भटूरे, घर चल तेरी मैं जलेबी बनाता हूँ तेरी आज. अच्छा बड़े लोगों की शादी में अगर गेस्ट बढ़ जाए ना भाजी, फटाफट मैनेजर को बोल के ना प्लेट बढ़वा लेते हैं. हम जैसे लोगों की शादी में मेहमान ज्यादा आ जाए ना, तो हलवाई को जाके बोलते हैं इसमें पानी और डाल, पनीर की सब्जी में मिर्ची और डाल, ग्रेवी बना, पनीर जिसकी किस्मत में जाए ले जाएगा वो, तू पानी डाल. अच्छा सबसे ज्यादा प्रेशर होता है गोलगप्पे वाले के ऊपर, जो 8 लोग खड़े और वो अकेला बांटने वाला, तो वो ऑक्टोपस की तरह इधर से निकाल के खिला रहा है. अच्छा सामने तो एक बार में 2-3 आदमी को खिला सकता है, जो चौथा जिसकी बारी अभी नहीं आई उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं. कोई और लेना ना गोलगप्पा तो वैसे टेस्ट ले रहा होता है, उसके मुंह में स्वाद आ रहा है पानी का. कुछ लेडीज होती हैं बड़ा हिसाब रखती हैं वो. अगर उनका बच्चा गलती से शादी में दाल चावल खाए ना, तो पीठ पे मुक्का मारती, दाल चावल खाएगा, दाल चावल तो घर पे भी जाके खा लेगा, उधर काजू की बर्फी दबा जाके चल. कई तो इतने कंजूस होते अपने बच्चे को ना ऑरेंज कलर वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी पिला देते हैं, बच्चा संतरी रंग का सुसू कर रहा होता है. अपना ही चंदन नहीं सामने बैठा हुआ है. हाँ ये जेब में मिठाई भर लेता है पता है. हाँ अभी किसी की शादी में गया चोरी तो वो, चोरी हाँ चोरी नहीं वैसे ही हक से लेता है. वेटर लेके आया इसके पास, कहता सर स्वीट डिश प्लीज, 4 गुलाब जामुन थे उसके ऊपर, कहता ले 4, 8 तो मेरी जेब में. कई लोगों को सारी बीमारियां शादी में याद आती है. बिल्कुल कड़ाई पनीर से एसिडिटी हो गई. जैसे पहले तुझे कभी हुई नहीं थी पदौड़े कहीं. ये पदौड़ा मैंने पहली बार सुना. होते हैं कहीं. अच्छा हर शादी में ना भाजी एक 80-85-90 साल की अम्मा जरूर होती है, किसी ना किसी घर में मिल जाती है. नहीं होती तो किसी की मांग लेते हैं. अच्छा उनको मतलब वैसे चाहे सारा साल ना उनको कोई पूछे,
उस दिन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि सारी रस्में उन्हीं को पता होती हैं. तो फिर ऐसे में ना अम्मा बड़ी शानी होती है, कई बड़ी चलाक होती हैं. हाँ. वो अपना फायदा करवा लेती हैं. उनको पूछा अम्मा और कौन सी रस्म बाकी है? अरे एक रस्म बाकी है, मिष्ठान चढ़ाई. इसमें बूढ़ी महिला को चांदी के चम्मच से जब मलाई खिलाते चम्मच भी उसको दे देते. अरे शादियों में टेंट वालों को बड़ी जल्दी होती, पता नहीं किस चीज की. अभी दुल्हन रो रही बेचारी, मूड बना रही है क्योंकि रोना कभी कभी नहीं आता है ना. तो बाप गले लग रहा तो पीछे टेंट वाला, भाई साहब तीन जग नहीं मिल रहे. बेड़ा गर्क तेरा, वो दुल्हन लेके जा रहे, तेरा जग थोड़ी लेके जा रहे. अच्छा भाई ये सच है, कभी कभी जो शादियों का सीजन होता ना तो बैंड वालों ने तीन चार शादियां पकड़ी होती हैं. जैसे 6 से 8 का टाइम दे दिया, 8 से 10, 10 से 12. अच्छा भाई शादियों में खाना बड़ा वेस्ट होता है, पर हमारा सौभाग्य कि हमारी शादी में हमने एक एनजीओ ने कॉन्टैक्ट किया फीडिंग इंडिया करके. तो वो लोग क्या करते हैं, जितना भी शादियों में खाना बच जाता है वो खाना जो है इकट्ठा करके वो गरीबों में बांटते हैं. तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनका काम देख के और हमने दिल से उन्हें अप्रिशिएट भी किया. और आप लोग भी कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जब भी आपके घर में कोई खुशी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो जाती हैं लेकिन किसी के लिए वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं. तो ऐसा ज़रूर करें आप जितना हो सकता है. भाजी कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, बहुत सारी स्टेट से लोग आए. हर एक की शादियों में अपने अपने तरह के रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने तरफ की प्रॉब्लम्स होती हैं. मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि चलो बात मुद्दा छिड़ा है तो आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. कोई है मेरे दोस्त कोई? जी भाई साहब, आज दिसंबर में पूरी टी शर्ट पहन के घूम रहा है. तेरे ये क्या बनवाया बाजू पे, क्या बनवाया हुआ है? हाँ जी हनुमान जी का मूर्ति बना रहा. अच्छा मूर्ति नहीं, टैटू. टैटू बना. मेरा एक दोस्त था बचपन में ना, उसने ऐसे छोटा सांप बनवाया था. हाँ सर. तो बड़ा हुआ तो सांप बड़ा ही नहीं हुआ, वो उतरे रहे. ये छोटे वाले टैटू के साथ प्रॉब्लम है, बड़े वाले की मैंने आपको बताई है पाजी. बड़ा अजगर बनाओ ना, जब बॉडी बिल्डर जो होते हैं इतना डौला, इधर ऐसे पूरा ड्रैगन बना लेते हैं. तो जब जिम जाना छोड़ देते ना तो वो ड्रैगन की ना वो सुंडी बन जाती है. तो जो ड्रैगन यहाँ पे बना होता ना, फिर ड्रैगन धीरे धीरे आपके बगल में आ जाता है और फिर पसीने की बदबू से बाकी का भी मर जाता है. अच्छा मुद्दा क्या था आपका, क्या हुआ? हमारे दोस्त की भाई की शादी थी और हम वहाँ पे गए हुए थे और हम लोग खूब डीजे पर डांस कर रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे. उसी बीच जो हमारे दोस्त का भाई था वो घोड़े पे बैठा था और किसी बच्चे ने घोड़े के पीछे जाकर एक पड़ागा फोड़ दिया. पड़ागा फोड़ दिया. पड़ागा फोड़ दिया उसके पिछवाड़े. वो फिर किसी बच्चे ने जाकर घोड़े के पीछे पटाखा फोड़ दिया और घोड़ा दूल्हे को लेकर चला गया. फिर इसके बाद खोजते खोजते पता चला एक झाड़ी में मिला. किसी तरह हम लोग लेके आए शादी. पर ये पता क्या, अब तो हम लोग हंस रहे भाजी. मेरा भी एक दोस्त है, उसकी शादी हो रही थी तो उसने 500 रुपए के बम लिए पटाखे. बोलता इधर नहीं फोड़ने, लड़की वालों घर के सामने. उनको पता चला कि हमारी हाई फाई बढ़ाता है. पाजी वहां पे जाके ना सेहरा बांधा हुआ और शरारती पूरा. तो जैसे ही पैलेस के बाहर पहुंचे ना तो सेहरा उठा के बोलता शुरू हो जाओ. पाजी ने बड़ा वाला अनार चला दिया पटाखा और ऊपर पेड़ था वो. घोड़ी ने ऐसे टांगे उठाई, टप पगड़ी उसकी आंखों पे आ गई बाद में ना इधर. उसको फिर दिखाई नहीं दे रहा था कहां कौन है, खुद नीचे गिरा, घोड़ी भाग गई. और अब हम लोग ये बातें सोच के हंस रहे हैं लेकिन कितना कितनी बुरी बात है. इस चीज का भी ध्यान रखा करें कि आप शादी करने जा रहे हैं और किसी जानवर को बेचारे को कष्ट पहुंचा के जा रहे हो, बद्दुआ निकलेगी क्या फायदा, बीवी फिर ऐसी मिलेगी आपको. फिर इससे अच्छा भाई जानवरों का भी ख्याल रखो. तो पटाखा नहीं फोड़ना आगे से. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा तू. लवली. और कोई मेरे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब ये आप सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आए आप? सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं यही रहता हूँ 3 साल से. यही कहाँ? इधर सीढ़ियों पे. पिछले साल की बात है, मेरे एक दोस्त की शादी थी तो हम 5-6 दोस्तों ने मिलके फैसला किया कि हम सेम टाइप की पजामा और कुर्ता पहनेंगे. हमने खरीद लिया, वहाँ पहुँचे, जब मैंने खोला तो देखा मेरे पजामे में नाड़ा ही नहीं है. बाप का नाड़ा किधर गया? पता नहीं, उसे दिया ही नहीं था जिससे मैंने लिया था. अच्छा तो फिर? तो अब मैंने देखा पकड़ के कैसे? तो मैंने वही किया. अच्छा. वहाँ पे एक नाल रखा हुआ था जो हाथ पे बांधते हैं.
अच्छा वो जो हाँ लाल रंग लाल कलर का होता है, तो मैंने वो लिया और पूरे पजामे बाल पता इतना ढीला था कि बार बार पजामा नीचे जा रहा था पूरी शादी में, मैं ऐसे ही घूम रहा था ना, मैं नाच पाया ना मैं खा पाया ढंग से। यार हाथ छोड़ के नाचते ना तो आपका क्लीवेज दिखता भी। सर मैं और मेरी वाइफ भी आई है, हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं। कैसे हैं आप? आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ जी सर। अच्छा कहाँ से, मतलब आप कहाँ से बताया था? उड़ीसा से। और आप भी उड़ीसा से ही हैं? हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा मुझे जानना, जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं उनको कब जाके रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? सर ये एक्चुअली हम लोग स्कूल कॉलेज सब क्रॉस कर चुके थे, हम लोग गेट टुगेदर पे मिले थे। नहीं कॉलेज तो क्रॉस कर, लिमिट कब क्रॉस की? मतलब प्यार मेरा मतलब है ये कब पता चला आपको कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है? पहले फ्रेंड्स थे, तब शादी की उम्र हो गई तो अब लगा कोई तो चाहिए। तो मतलब कोई भी? और बॉन्डिंग अच्छी थी तो हो गई शादी। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की, आप खुश रहिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू। तो कहने का मतलब बाबा जी की शादी के ऊपर कितनी भी बातें कर लो उतनी कम है। सोनी वालों ने इतना खर्चा किया, अंग्रेज आ रहे हमारा शो देखने। हाय दिस इज कपिल शर्मा, सिद्धू जी वेरी फेमस, हमारी जनरेशन का गालिब, यू डोंट नो वेरी पॉलिटिशियन एवरीवेयर, इंडिया दिल्ली पाकिस्तान आल्सो। अरे का है जुबान को इतना कष्ट दे रहे हो, सीधा सीधा कहो। ओ तारिया यार, तुम सच्ची के अंग्रेज हो कि किसने तुम्हारी फुल बॉडी ब्लीच कर दी है? दरअसल हमार माँ फिरंगी थी। ओके। वो इंडिया में घूमने आए थी। ओके। तो उनके पीछे एक डीट नकारा लूचा इंसान पड़ गया। ओ माँ ने उनसे शादी कर ली। चलो व्हाटएवर हुआ, जो भी हुआ, तुम निकलो अपना बैग निकल, चलो। अरे ऐसे कैसे निकलेंगे, हम इस मोहल्ले में रहने आए हैं। रहने नहीं देना, हमने एक बार अंग्रेजों को मौका दिया था, पूरे देश में कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, देशद्रोही। अब रिस्क नहीं लेंगे हम। साइमन गो बैक। अरे हम साइमन नहीं, हमार नाम रॉबर्ट पासवान है। और वैसे हम इंग्लैंड वाला अंग्रेज नहीं हूं, हमारे लिए जो अफगानिस्तान से उस तरफ के ना सारे अंग्रेज हैं। चलो निकलो यहां से। नहीं निकलेंगे। निकलो। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। भाई यार क्या कर रहे हैं, क्या इतना चिल्लम चिल्ली लगा के रखा है यार, पीछे हमारी भैंसिया घबरा गई है, डर गई है। इतना डर गया उसका गोबर अटक गया है यार। अगर कप्पू शर्मा, अगर हमारी भैंसिया को कब्ज हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, साथ में तुम्हारा अनुपम भी नहीं, अरे तुम्हारा पूरा अनुपम खैर ही नहीं। अरे यार ये देखा यार, डांटने ने भी किस तरह हमने जॉक्स को घुसेड़ दिया यार, क्या अद्भुत टैलेंट पाया है हमने। ए भाई ये क्या चीज है, अंग्रेज कहां से आ गया? अरे ये कहता मैं इस मोहल्ले में रहूंगा, इसको वो बोलो साइमन गो बैक, बोलो उसको। अरे अरे हम साइमन नहीं, हमारा नाम रॉबर्ट पासवान है। अरे हम ओबामा हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये सिद्धू पाजी हैं। सिद्धू जी के चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि सिद्धू पाजी को कोई चेंज नहीं कर सकता। सिद्धू पाजी थे, सिद्धू पाजी रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे हम अंग्रेज नहीं है, अमेरिकन हूँ, अमेरिकन। OMG अमेरिका, मतलब CIA एजेंट जेम्स बॉन्ड। अब
जेम्स बॉन्ड कहाँ से आ गया है? ब्रिटिश ही है यार। अरे जेम्स बॉन्ड कहीं से भी आ सकता है, हमको पता है। उसको कोई टिकट का जरूरत नहीं है, पासपोर्ट का जरूरत नहीं है, वीजा का जरूरत नहीं है, उसे तो टोल नाका भरने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा वो, अच्छा टोल नाका क्या होता है? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली तुम लोगों ने, तुम लोगों को टोल नाके का नहीं पता? नहीं। देशद्रोही, अपने कपड़े दो, बैग दो, घड़ी दो, कैमरा दो और निकलो यहाँ से। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओह माय गॉड, अंग्रेज। ओह माय गॉड, फोटो खींचो मेरी यार। ठीक है, अंग्रेज पहली बार देखा। खींचो खींचो, बहुत सारी चीजें जो तू पहली बार देखेगा अभी। बिना छेद वाला अंडरवेयर तुझे देखना है। तड़के वाली दाल तुझे अभी देखनी है। ये तो उस दिन मशरूम को देख के बोल रहा है, इतना छोटा सा छाता कौन लेके जाता है? तो चले अपना फंजे में डाल, उसको बोलो बाहर निकले। चंदू जो देखना है जल्दी देखो, अंग्रेज को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। मोटा भाई, ए ओए, फिर मोटा यार, डायरेक्ट मत हुआ करो ऐसा, थोड़ा तो घुमा के बोलो ना बात। और कितना घुमाऊं, तुम ऑलरेडी कितना चारों तरफ घूमे हुए हो। और मेरी बात सुन, ये बताओ कि तुम इसको बाहर क्यों निकालना चाहते हो? अरे क्योंकि हमारे घर में माँ बहने हैं। माँ बहन को घर से बाहर निकालो। कहने का ये मतलब है कि अपनी माँ बहन को बाहर निकालो, बाहर की दुनिया दिखाओ, उनको भी अपग्रेड कराओ। यार अंग्रेज अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। यस। तू इस गोरे की इतनी साइड क्यों ले रहा है? साइड नहीं ले रहा हूँ मैं, फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे? ये इधर रहेगा तो हमें अंग्रेजी में खबरें पढ़ के सुनाएगा। हाँ, हम तुम्हें सारी खबरें पढ़ के ही बताएंगे। हाँ, और जिस दिन तुम्हारी साली लेके भाग गया उस दिन तुम्हें खबरें पढ़ के कौन सुनाएंगे? मैं सुनाएगा ना, मैं सुनाएगा। अरे यार हम यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसने हमारी साली को भगा भी लिया, खबर भी छप गई, हो क्या रहा है यार, ये बहुत टेंशन है। तुम निकलो भाई, तुम निकलो। अरे हमने ही इसने भगाई। मैंने कहाँ भगाया, मैंने तो खबर तो ये पढ़ रहा था। अरे अभी खबर छपी नहीं है, मैंने कहाँ से पढ़ दी? अरे तुम तीनों हमको कंफ्यूज कर रहे हो यार। तुम तीनों निकलो, जाओ सब लोग जाओ, निकलो। अंग्रेज अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। यस। तू इस गोरे की इतनी साइड क्यों ले रहा है? साइड नहीं ले रहा हूँ मैं, फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे? ये इधर रहेगा तो हमें अंग्रेजी में खबरें पढ़ के सुनाएगा। हाँ, हम तुम्हें सारी खबरें पढ़ के ही बताएंगे। हाँ, और जिस दिन तुम्हारी साली लेके भाग गया उस दिन तुम्हें खबरें पढ़ के कौन सुनाएंगे? मैं सुनाएगा ना, मैं सुनाएगा। अरे यार हम यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसने हमारी साली को भगा भी लिया, खबर भी छप गई, हो क्या रहा है यार, ये बहुत टेंशन है। तुम निकलो भाई, तुम निकलो। अरे हमने ही इसने भगाई। मैंने कहाँ भगाया, मैंने तो खबर तो ये पढ़ रहा था। अरे अभी खबर छपी नहीं है, मैंने कहाँ से पढ़ दी? अरे तुम तीनों हमको कंफ्यूज कर रहे हो यार। तुम तीनों निकलो, जाओ सब लोग जाओ, निकलो। जीजू, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे 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 अरे, तुम घर घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ, मोहल्ले में अंग्रेज आए आए, घर के अंदर जाओ जाओ। हाय ब्राउनी, बच्चा जी की साली। हाय, अंग्रेज, अगर तुमने हमारी साली को छेड़ा ना तो एक मिनट, ये तुम्हारी साली? हाँ। अरे इसमें छेड़ने वाला है क्या? सवाय हो तो के। ओए होए होए, इंटरनेशनल भेजी थी अमेरिका से आके, अब तुम्हें यहाँ 10 मिनट रहने की छूट है। रहो। हाँ तो हम ऐसी बातें डेली करेंगे, बस हमें यहाँ रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहने देंगे, हमको यहाँ अंग्रेजों का पता है यार, छोटे छोटे कपड़े पहन के ना धूप में लेट जाते हैं, मोहल्ले की औरतों का लिहाज भी नहीं करते ये लोग। अरे वो विटामिन डी लेते हैं जीजू। वाह, मसाला भी हमसे लेते हैं, विटामिन डी भी हमसे लेंगे, कोहिनूर हमारा ले गए, हमारी माधुरी दीक्षित ले गए। विटामिन डी हमारा नहीं होता, वो सूरज से लेते हैं। वाह, आज सूरज का विटामिन डी ले रहे हैं, कल सूरज का बरजातिया ले जाएंगे और हम क्या देखते रहेंगे? ऐसे नहीं होगा, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तुम लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि विटामिन डी का कैप्सूल भी आता है? ऐसे चड्डी पहन के उल्टे मुंह रेत में लेट जाते हो, फिर ऐसे से रेत निकालते हो। मेरी बात सुनो, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये उल्टा होकर रेत में नहीं लेटेंगे, इधर धूप में नहीं लेटेंगे, आप इधर ही रहेंगे। धूप में नहीं लेटेंगे? नहीं लेटेंगे। तो फिर क्या फायदा? अंग्रेजों बाहर जाओ। एक मिनट, तुझे बड़ा नंगे अंग्रेज देखने तुम्हें? अरे यार ये क्या बोल, हमको यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो भारत छोड़ो और तुम भी ना हमारा घर छोड़ो, मतलब पाले पोसे हम, खिलाए पिलाए हम, और विटामिन डी लेते हुए तुम्हें इन्हें देखना है? चालसाज, फरेबी, धोखेबाज, टपोरी, चुप चुप।
चुप चुप। ए, ए, बहुत सारा आदमी। ये देखो वो भी डायरेक्ट हो गए हैं अब तो। लाइन में रहो। हाँ चंडू। हाँ जी। समझावा नहीं तने। मैं समझाता हूँ, मेरी मेरी बात सुनो। इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो नहीं मान रहे, मेरे मुंह पे मना कर दिया उन्होंने। ए, समझाओ यार। बच्चा ये हमारे देश की इकोनॉमी का सवाल है, इनको इधर रहने दो। ये देखो अगर ये इधर रहेंगे तो हम डॉलर को नीचा और रुपए को ऊंचा दिखाएंगे। अगर डॉलर नीचे तो बाद में जाएगा, देखो तुम्हारा जिप नीचे चला गया है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, निकलेगा यहाँ से। ये इनको बाद में बाहर निकालना, पहले अपनी जिप बंद करो। धोती पहना है, उल्लू मत बनाओ, जिप बंद करो। ये क्या चीटिंग है यार, मुझे पैंट बना रही है, उनको धोती बना रही है। अरे कैसी बातें कर रहे यार, तुमसे अच्छा इस बड़ी होन वाली से सेटिंग कर लेते। मेरी बुरी के बारे में ऐसा सोचते तुम? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बुरी मांगेगा तो चीर देंगे। ये ले आपने 200 रुपए। खबरदार बुरी के बारे में ऐसा बोला तो। तुझे शर्म नहीं आती? तूने इससे 200 रुपए लिए थे? मैं 200 रुपए देखकर बहक गया था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। चिंगारी। हाय या। हाय। ए पीछे पीछे। देखा? हाँ। कम, कम से कम आधा घंटा और देखेंगे। ए ईम हमारी सिस्टर है। वो तूने पहले बताया नहीं साले? किसको गाली दी? गाली नहीं, रिश्ता है। जैसे बीवी ऐसे साला, ऐसे उस हिसाब से। हाँ बाय द वे भैया, आपको चोट नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ ना? अरे हाँ लगी तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी, नहीं चोट नहीं लगी। आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं यार। अरे हम एक मिनट भाई, हो हम सबको पीछे करके इससे क्यों चिपक रहे हो भाई? क्यों क्यों ना? नहीं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू को भाई एक तरफ, आपको लगी तो नहीं? कैसी जोरू? ये कैसी तुम्हारी जोरू? जिसने पहले देखा उसकी। ऐसा नहीं होता है, जिसने पहले सोचा उसकी और हमने पहले सोचा। जीजू। मैं दीदी को बता दूंगी। अरे नहीं, सोचना है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। एक काम करो ना, तुम 100 रुपया रखो और अपने 25 रुपए का मुंह बंद रखो बस। जीजू। इसने बोला, उसने बोला, आप कुछ नहीं बोलेंगे? इतने सालों में मुझसे ये नहीं सेट हुई, आप तो फिर भी ब्यूटीफुल हैं। सीधी सी बात है। थैंक यू बट कौन इसको निकाल रहा है यहाँ से? कोई भी नहीं निकाल रहा, ये बच्चा निकाल रहा था। कौन? नहीं नहीं, हम कहाँ निकाल रहे थे। हम तो एक बार कुर्ता पहन लेते हैं, उसको एक महीना निकाल नहीं पाते। हम क्यों निकालेंगे यार इस नौजवान को? ये चंदू निकाल रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने निकाला था। मैं तो अगर निकालूंगा तो सिर्फ इसको गाली निकालूंगा, और मैं कुछ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। अरे तुम सभी निकाल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया के नक्शे पे ही नहीं है। अरे उस समय हमें तुम्हारी बहन का नया नक्शा नहीं ना पता था, उस हिसाब से। आई लव यू एंड आई लव योर सिस्टर टू। जीजू। हेलो चिंगारी, माय सेल्फ कपिल शर्मा, हाउ आर यू? देखिए माय सेल्फ बच्चा यादव, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ रहिए। आई एम अ फैमिली मैन, हमारे घर में आइए आप। आप हमारे साथ रहिए, मैं अकेला रहता हूँ, आपको डबल बेड मिलेगा, आप चाहे मेरे साथ सिंगल पे सो जाना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कहीं भी रहिए लेकिन विटामिन डी टाइम टू टाइम लेते रहना। बड़े भैया आप मेरे घर चलो, मेरा घर खाली है। आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हमारे पास अपना घर है, तब भी हमारे घर रहो। हमारे घर पे रहेंगे ना, आपके घर पे क्यों रहेंगे? अबे तेरे घर पे क्यों रहेंगे, हमारे घर पे रहेंगे। पीछे ठीक है, आप हमारे घर में रहिए, आप हमारे सुनिए, आप हमारे घर पे रहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं?
अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान आते हैं, लेकिन आज जो मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं वो किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसी शो की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो खुद इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं। अरे वाह, तो प्लीज वेलकम ये शंखनाद बता रहा है, ये उद्घोषणा बता रही है कि खान साहब सबसे ऊपर हैं। देखिए, मैं इनकी तुलना बाज के साथ करता हूं। जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां जो हैं वो पीपल में घुस जाती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और क्या कहता है, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। क्या बात है, वाह। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊंगा। ये एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उड़ते झटक के और फिर वापस दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती, अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। बीच में किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज आई, आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वॉज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक्सरे लिए तो दो रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाए हंसने के लिए, तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इनकी भारत फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मज़ा आता ही है क्योंकि आपको देखने के लिए ना, नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, आपके टाइम पे रेशियो ज़्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी मैं शो बन रहा हूँ। बड़ा शरारती हो गया तू भाई। ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी सलमान भाई, कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो। एंगेज पास्ट टेंस में आता है। एंगेजिंग हूँ, एंगेजिंग प्रोसेस जारी है। जारी है, जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जारी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो, तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो, वो जानना चाहते हैं लोग। मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में, वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती। जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई, आपको नींद नहीं आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत बहुत टाइम की बात है और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई। फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ, अच्छा, तो बैच चेस्टर था तो इसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा पास्ट में, तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है, बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला ट्विटर पे, किसी ने कुछ डाला और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या, मतलब नहीं 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 भाई मैंने नहीं,
मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना आठवें दसवें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं। देखो ये बड़ा ट्रिकी है, अगर बोलने के ट्विटर छोड़ दो जी, जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बात मानते हैं, बात मानते हैं। क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन। अरे सलमान भाई, एक और सवाल आपसे पूछना था। शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई है अभी हाल ही में, अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए? प्रियंका की हो गई, अफसोस की बात है। तो सलमान भाई, जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई, जोक से बात, भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। अच्छा, तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा, तुम लोग वैन में बैठे थे वहाँ पर और फोन की घंटी बज रही थी वहाँ पर, यू नो भाईजान यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ इज देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से। It is the most amazing feeling, Bhaijaan. This shaadi na is like the best thing. You are so mentally, you know, relaxed. Bhaijaan, one second. Meri shaadi wali baat ki repeat value hai. Ji. Unhone pucha tha shaadi ke baare mein kya vichar hai. Maine kaha hari mirch ki ice cream hai, choose choose ke khani hai. पर आपका तो शादीशुदा होकर बैचलर वाला सीन है भाजी, आपको आप, मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, कभी राजस्थान कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। भाजी आपको पता है बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई और अच्छा खासा पैसा कमाया। सलमान भाई आपने देखी चाइनीज में अपनी फिल्म? सर चाइनीज में नहीं देखी सर, पैसे भी नहीं देखे अभी तक। अच्छा, दोनों ही नहीं देखे। अच्छा मतलब, पर आप तो आएंगे, लेकिन आएंगे जब आएंगे तो जरूर देखना पसंद करेंगे। जरूर। तो मैं सलमान भाई आपको इतने सालों से देख रहे हैं, पांचों मैन आते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं सोचता हूँ चाइनीज में सलमान भाई कैसे लगते होंगे, है ना? ची को ना पता चौकरा चाहना था। अच्छी बात है भाई, चाइना पूरी दुनिया से कमा रहा है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। हमारे चलो एक दो लोग तो हैं जो चाइना से वापस लेके आ रहे, थोड़ा बहुत इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। सलमान भाई आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार तालियां बजती रहें। खुदा ने इनको सबको वो खूबी नवाजी है, वाह, जिस पर दिलो जान न्योछावर करने के लिए पूरी दुनिया राजी है, वाह। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में तीन इक्कों की बाजी है ठोको। वेलकम वेलकम। और बाज भाई, सोहेल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जहाँ आपका दिल करता है, अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। सोहेल भाई घर भी चले जाया करो, कोई जिम में ही रहते हो आप, क्या कमाल है, मतलब जोरदार तालियां बजती रहा, मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, पर मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं, मतलब देखो आप। ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में, आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं,
बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते भाई? दिन में तीन बार। दिन में तीन बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ कॉलर। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई, ऐसा बचपन में तो लड़ाइयाँ भी होती है ना सोहेल भाई? जी। तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ, आप लेके गए कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंड स्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंड स्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ तो मैंने कहा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियां क्यों दे रहा है? फिर पाँच छः लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, यू ओनली वॉच इट काम होता। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे डैडी थे वो। काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है जहां उसने मुझे एक बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये वो जलता है ना पीछे वो आवाज ही, ये वो नहीं, तो ये जब और उसकी वजह से पिटे वो, बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं नहीं। तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए, फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। अच्छा। डैडी और मैंने, फिर आते वक्त याद है जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरी वेयरिंग का काम होएगा ना तो अपने को बोल लेगा क्या। कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहाँ पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग शाउटिंग, और उसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहाँ करीबन 100 फाइटर्स थे, तो जब ये बढ़ता गया ऐसे, यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहाँ से निकलने के लिए। मैंने बोला ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई, और देख रहा हूँ क्या जो मेजॉरिटी है वो वही हमें धो रहे हैं। वहाँ भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू ब्लैक ग्रीन सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया, और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खाए हम लोग ये प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है। कम भाई, असली बंदे फाइटर्स, ओके मैं हूँ फाइटर, आप हो फाइटर, मैं फाइटर हूँ, ओके, और आपसे लड़ना है। अच्छा। ओके, आपसे लड़ना है। अभी फाइटर्स क्या है, उनको मिस करने की आदत है। तो अभी जो अगर आप सही झगड़े में पड़े आओ तो उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप मिस करो तो लाजमी मारना नहीं है।
कैसे होगा? कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया, ओ पाजी सॉरी पाजी कि उनकी नौकरी नहीं चले जाए, तो उनकी आदत थी वो ट्रेनिंग है मिस करना. जो सामने की पार्टी थी वो तो दना दन कनेक्ट कर रही थी और ये स्टाइल कैसे जाए. दूध में मैं रह सकती, दूध में मैं रह सकती, सकती में मेरा कपूर, ऊपर गुलशन नीचे ग्रोवर, बीच में सोनू सूद, बच्चा दूध, बच्चा दूध. बच्चा ये क्या दूध दूध लगा रखा है? कप्पू शर्मा एक बात साफ साफ समझ लीजिए. क्या? ये दूध है ना हमारा बिजनेस है, एंड माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. सर इधर भी ब्रांडिंग की है बच्चा दूध. सर आपका फिल्म का डायलॉग है, सोचा कि आपके सामने पेश कर दे बच्चा. सर सच एन ऑनर सर. सोहेल जी सलमान सर सच ए प्लेजर. मतलब सर इसे कहते हैं खानदान ना. इत्तेफाक का बात देखिए, आप लोग खान भी हैं, दान भी बहुत करते हैं, खानदान सही मायने में खानदान है यार. बड़ा मजा आ रहा है सर. सर आई एम ए बिग फैन. ह्यूज ह्यूज फैन है सर आपके, क्या बताए सर. साथ साथ में हमारी ये फुलझड़िया है ना, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है. जी हाँ सर, मतलब ये तो किक मारे बिना दूध तक नहीं देती है. सर कुछ दिन पहले आपका ये जो सुल्तान फिल्म में आप लंगोट पहने थे ना, उसका ऑक्शन हुआ था. हमको फोर्स करी के चलो चलो ऑक्शन में जाके लंगोट खरीदना, हमसे खरीदवाया, देखे पहन कर आइए आपके. ए बच्चा झूठ बोल रहा है, ये तो नकली है. अप्पू शर्मा आपको पता है ये नकली है, हमको पता है नकली है. भाई को थोड़ी पता है कि नकली है. लेटर एंजॉय यार, मजा आता है. सर वैसे सर हमने अपना ना एक न्यू सिद्धू जी ब्रांड लॉन्च किया है, बड़े सही दिन पे आए हैं आप. हमने अपना खुद का दूध का ना प्रोडक्ट निकाला है. क्या बात है. इट्स कॉल्ड बच्चा मिल्क, बच्चा दूध. देखिए सर बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब कमाल का दूध है, आप यकीन नहीं करेंगे. ये ऐसा पैकिंग किया है हमने, और ये जो आपको चोटी लग रहा है ना, यहाँ से दूध पी सकते हो. क्या थॉट है सर, इनोवेशन देखिए, इनोवेशन. और ये दूध में बहुत ताकत है सर, इतना ज्यादा ताकत है कि बुजुर्ग आदमी पी लेना तो जवान हो जाए, और जवान पी ले तो बच्चा हो जाएगा. दूध पीने से बच्चा नहीं होता है कप्पू शर्मा. FYI, for your information, दूध पीने से बच्चा नहीं होता है, शादी करना पड़ता है, और भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं. नया नया शादी किया है, बच्चा बॉर्निंग प्रोसीजर के बारे में भी कुछ पता नहीं, ऐसा आदमी है यार. लेकिन सर अरबाज सर, सोहेल सर, सलमान सर, आपको बता रहे हैं, हमारा ये जो दूध है इसमें बहुत ज्यादा आयरन है. 10 दिन तक आदमी लगातार पी लेना तो 11वें दिन तो चुंबक आपको खींच लेगा. ए झूठ बोल रहा है, आयरन कहां से आ गया? पानी मिला था दूध में तू. तो दूध में पानी मिलाएंगे, कुंडली मिलाएंगे क्या दूध में? कैसा बात करता है यार आदमी. He has no knowledge, but I forgive him. He's a friend. It's okay. चलिए सलमान जी, सच्चाई बात यह है सोहेल जी कि हमारा जो दूध है ना वो ऐसा वैसा दूध नहीं है, बहुत क्वालिटीज है उनके अंदर. सबसे बड़ा क्वालिटी सर आपको बताएं, ये दूध पीने से ना शांति फैलता है, पीस हार्मनी इन द वर्ल्ड. वो कैसे? देखिए सर क्या होगा, दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है तो सामने वाला एक आदमी तो पक्का बोलेगा कि ए माँ का दूध पिया तो सामने आया. अब सामने वाले ने माँ का दूध नहीं पिया, बच्चा का दूध पिया है, तो वो सामने नहीं आएगा. झगड़ा खत्म, पीस ब्रो. एकदम बकवास दूध है तेरा, कल मैंने सुबह लिया दोपहर को फट गया. फट गया? हाँ. तो अपनी बातों की तरह आपने खींचा होगा बहुत ज्यादा, इसलिए फट गया होगा. वरना बच्चा यादव का कुछ भी फट सकता है, लेकिन दूध नहीं फटेगा.
और अगर बाई चांस ऐसा हुआ भी ना तो 3 times कॉम्पनसेशन देते हैं हम। अबे तेरा बिजनेस में बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा? माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। इस तरफ भी है, ब्रांडिंग किया है सर, बच्चा दूध। कपूर शर्मा आपको एक स्कीम ऑफर करते हैं हम। हाँ। आप हमारा ब्रांडिंग बना, हमारा दूध का, इसमें हमारा हेल्प कीजिए। क्या? आप हमको 3 ग्राहक लाके दीजिए। अच्छा। फिर 3 ग्राहक को बोले कि और 3 ग्राहक लेके आए। अच्छा। 3 को बोले और 3 लाए, फिर और 3 और 3 और 3 और 3 और 3। तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? इससे फायदा कुछ नहीं होगा, आप बिजी रहेंगे यार, टोकेंगे नहीं फालतू का बीच बीच में। सर हम आपको सच बता रहे हैं सलमान जी, आपको हमारा हेल्प करना चाहिए सर। ये आदमी ना कभी भी ऐसा हमको टोकता रहता, कभी प्रोत्साहित नहीं करता। बिना प्रोत्साहित किए तो 11 बच्चे हो गए तेरे, प्रोत्साहित करेंगे तो पता नहीं क्या कर देगा तू। पहले तो अपना हिंदी ठीक कीजिए, बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित होना जरूरी नहीं है, उत्साहित होना जरूरी है। थोड़ा हमको हमारा दूध का प्रचार करने दीजिए। आई हैव कम फॉर प्रचारिंग। बच्चा तुझे लगता है तेरा प्रचार करने से लोग दूध पीना शुरू कर देंगे? नहीं पियेंगे। तो फिर इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं सिद्धू जी से। मेरे से एक इल्तजा है, दरख्वास्त है। क्या? इट्स अ रिक्वेस्ट। सर आप एक बार सरकार को बोलिए कि अपना जो बुधवार का दिन होता है ना, उसका नाम चेंज करके दूधवार कर दीजिए। और उस दिन दूध पीना कंपलसरी कर दीजिए, फिर देखिए। अब फिर तो लोग बुधवार को ही दूध पियेंगे, बाकी दिन पियेंगे नहीं। नेगेटिव आदमी है सर, कितना नेगेटिव आदमी। कपूर शर्मा बी पॉजिटिव और बच्चा का दूध पी पॉजिटिव। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है सर, कहाँ होता है ऐसा। अब जैसे फादर्स डे होता है, फादर्स डे पे हम फादर को प्यार दिखाते हैं, बाकी के दिन नहीं दिखाते हैं क्या? तो बुधवार को भी पियेंगे, बुधवार को पियेंगे, रोज पियेंगे, पियेंगे यार। अरे सर फादर से एक बात याद आया सर, एक रिक्वेस्ट था। अभी एक फिल्म आया, उसमें आपने शाहरुख खान जी को गोद लिया है सर, सेम हमको भी गोद ले लीजिए सर। कम से कम हम दुनिया से कह पाएंगे कि ही इज माई गोद फादर। प्लीज सर। अबे तुझे गोद में लेंगे, उनकी गोद फाड़ेगा तू, पागल कहीं का। और तू यहां पे क्या अपने आप को गोद लिवाने आया, क्या दूध का प्रचार करने आया? None of the above, none of the above. Basically, sir, actually, हम आपको सच बताते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हाँ, सलमान जी, आपका ये जो फिल्म है ना, उसमें आप ये जो गाने वाने करते हैं, डांस वांस करते हैं, तो मतलब एक छोटा सा शिकायत है, मतलब शिकायत तो बहुत हार्श वर्ड हो गया, कॉल इट ए कंप्लेन। क्वालिटी कंप्लेन? कंप्लेन है कि ये जो अपना डांस का स्टेप आप करते हैं ना, बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्टेप करते हैं आप, एकदम इनोवेटिव न्यू स्टेप, बट दे आर नॉट धोती फ्रेंडली। धोती फ्रेंडली मतलब? नहीं देखिए, अभी इनका स्टेप है फिल्म में, ढिंका चिका का गाना किया आप, जेब में ऐसा हाथ डालते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, अब हम धोती पहनते हैं, हम कहाँ हाथ डालें। फिर थोड़ा दबंग दबंग गाना किया आप, उसके अंदर आप बेल्ट पकड़ के ऐसा स्टेप किए हैं। देखिए पहले तो हम धोती पहनते तो बेल्ट होता नहीं है, अब बाय चांस पतलून पहन के हम बेल्ट पहन भी ले तो भी एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हमको क्या पेट के नीचे के प्रोडक्ट दिखाई नहीं देते। बेल्ट मतलब पता कैसे चलेगा कि बेल्ट पकड़ के स्टेप किए, तो इसके लिए जरा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आपका वो जो जग घूमिया वाला स्टेप है ना, वो हम हाफ आधा कर लेते हैं। आधा कैसे मतलब? करके दिखा। आधा करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करो जग घूमिया वाला, खुद मत घूम जाना। अबे वेल मची पड़ी, वेल मची। अबे पूरा तो कर, पहले वाला तो कर। नहीं नहीं हम बोले ना, हम आधा कर सकते हैं, तो दिस इज सेकंड हाफ। वो फर्स्ट हाफ हमसे नहीं होता है, वो जो ऐसा पूरा घूमना है ना, वो हो नहीं पाता है सर। एक बार ट्राई किए थे, उसमें क्या होता है, हमारा धोती पीछे रह जाता है, हम आगे निकल जाते हैं। और फिर हमारा जग खामखा जग जाहिर हो जाता है। ट्राई कर ना, ट्राई कर। इतना मोटा आदमी इतना अच्छा नाचता मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सच इज लाइफ। सर वैसे जाने से पहले जोक्स जोक्स सर, जोक्स हमारा क्या, हम बहुत फनी आदमी है,
ऐसा जोक्स का ना एक पिटारा लेके घूमते हैं. बहुत सारे जोक्स है हमारे पास, दे आर वेरी फनी. तो चलिए एक जोक पेश करें. जोक जोक सर आप आए. ये सिर्फ जोक ही नहीं है, ये आपके काम का भी चीज है, जीवन में आपके काम आएगा. आपके पास दौलत है, पैसा है, आपको रातों रात मतलब ऐसे अपना पैसा डबल करना है तो कैसे? तुरंत हम करवा सकते हैं. मतलब कुछ ऐसा 5 साल का प्लान नहीं, घर बैठे बैठे पैसा डबल. पूछिए कैसे? 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 आईने के सामने रख दीजिए. तो चलिए आपके लिए एक और पेश करते हैं. एक और आपको अगर पॉपुलर बिजली का बिल अपना आधा करना है तो कैसे करेंगे? कैसे? ऐसा पकड़िए फाड़ दीजिए. अरे यार, अरे तेरे पास पिटारा है, एक निकालना. और इतना बड़ा पिटारा भी नहीं है. पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देखिए, हमको बताइए कि एक अरबी दूध वाले को क्या कहते हैं? मिल्क शेक. सर जाने से पहले हमारा एक ना एक एक रिवाज है. लॉलीपॉप लेके आए हैं सर. मुंह मीठा कीजिए सर, आप प्रोड्यूसर हैं शो के, पहली बार आए हैं, खुशी का मौका है. ये लीजिए सर, ए लॉलीपॉप फॉर यू. लॉलीपॉप लॉलीपॉप प्लीज प्लीज हैव इट सर. थोड़ा सा बस सर, बस 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 बस, आप भी ट्राई कीजिए सर. बस 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 बस, बस. सर ये क्या है कि हमारा यहाँ पे दुकान चलता है, यहाँ पर सेलिब्रिटी के झूठे लॉलीपॉप बिकते हैं. आपको आइडिया भी नहीं है कि आप भाव पे जाने वाले. और देखिए क्या प्राइस पे बिकते हैं ये. हाँ अरे सर आप बहुत ही थर्ड वाला मेरा डिटेल में जा रहे. ये लीजिए, अब देखिए हमारा क्या सेल होता है. सर थैंक यू वेरी मच सर. प्लेजर सर. थैंक यू सर. बड़ा खुशी हुआ, हृदय बाग बाग हो गया आज आप लोगों से मिलकर. चलिए थैंक यू, बाय. भाई एक बड़े बड़े लोगों के मन में ये आता है कि जो भी एक्टर किसी भी तरह की फिल्म करते हैं, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कॉमेडी हो, लेकिन एक एक्टर को क्या करने में ज्यादा मजा आता है? कुछ नहीं करने में मजा आता. ये हमारे लिए तो नहीं बोल रहे. तुरान भाई अब तो खैर इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, जब भी पहली फिल्म होती है आप हीरोइन को जानते भी नहीं हो. एक तो है ना कि एक हीरोइन के साथ 4-5 फिल्में कर ली तो आदमी थोड़ा कंफर्ट हो जाता है. पहली फिल्म हो, लड़की को ज्यादा मिले भी नहीं. देखो किस विश तो मैं करता नहीं स्क्रीन पर. जी भाई वो तो हमने सुना है. जी वो इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती. ओवरडोज भी तो नहीं होना चाहिए ना. अभी दिमाग ओवर टाइम चलने लगा है. शिप की तरह. अभी एक और गेस्ट आएंगे यहाँ पर जो कि असली टाइगर है हमारे घर पे. उस वक्त देखना किसी की आवाज नहीं खुलेगी. सब हेलो, क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग इतनी देर से आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरे को दूरी रखो.
किस लिए आई है इधर? इनके लिए आई और किसके लिए आई है मैं? भाई ये हमारी ना बताने लायक रिश्तेदार एक्चुअली, बताता नहीं किसी को। क्यों ना बताने लायक? क्यों ना बताने लायक रिश्तेदार है भाई? ये इतनी जाहिल है ना, ये अभी तक इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक पर्दों से नाक पहुंचती है। हाँ तो क्या फिर टिश्यू पेपर से नाक पहुंचू? पाजी पर्दे तो धुल जाते हैं, टिश्यू पेपर कोई धो सकता है क्या? नहीं है ना, ये कैसी पागलों जैसी बातें करता है। खैर मैं इधर नहीं रहूंगी। हाय हाउ आर यू सुहेल? पार्लर में काम करती हूं। नहीं सुबह मैंने किया था, एक एक घंटे में निकल आता है, इतने इतने आ जाते हैं मेरे को। खैर ओ माय गॉड क्या बाइसेप है, 17-18 मेरे को। रात को जब आप करवट बदलते होंगे तो बाइसेप आपको खुद को घायल कर देते हैं। खैर सुहेल आप तो मुझे बहुत पहले से जानते हो, मेरा ना एक प्रॉब्लम हो गया है, मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। कौन मुकेश? मुकेश अरे अपना फिल्म इंडस्ट्री का ही है वो, आप लोग जानते हो उसको। अभी थिएटर में आप लोग की पिक्चर लगती है ना, तो जो भी पिक्चर आती है उससे पहले वो आता है, इस शहर को क्या हो गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं, मैं हूं 23 साल का मुकेश। पता है उसके साथ मेरा सॉफ्टवेयर था। अबे सॉफ्टवेयर नहीं अफेयर। नहीं नाला सोपारा में सॉफ्टवेयर ही होता है। ये पाजी मैं सच्ची बता रही, मैंने देखा इन लोग को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है इधर। पता है कि इन लोग जू पे रहते हैं ना, तो समुद्र किनारा है, सीलन की वजह से दिमाग में पानी भर गया इन लोग की। जब देखो गलत इंग्लिश, सॉफ्टवेयर ही है। हाँ मैं कहाँ थी, हाँ मेरा मुकेश के साथ लफड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुकेश बेचारा बीमार, उसका मजाक उड़ाते? अरे बीमार नहीं वो तो एक्टिंग करता है यार। तू कप्पू तेरे को क्या हो गया कप्पू? ये भी मेरे को पता है क्या है, मेरे को मालूम बीमार वो नहीं है, बीमार तू है। तू ना सुबह उठा कर ऐसा योगा वोगा किया कर, ऑक्सीजन दिमाग में जाएगा ना अच्छा रहेगा। पता है पाजी प्रॉब्लम क्या है, बड़े लोगों के साथ उठ के बैठ के ना इसको कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया है। खैर लेकिन सलमान पता है मुकेश ने मेरे को छोड़ दिया। क्यों? रिक्शा चलाता था ना, मैंने बोला मेरे को वहां पर छोड़ दे। उसने मेरे को छोड़ दिया उधर, उसी की वजह से ना उसका मेरा क्लोजअप हो गया। अरे क्लोजअप नहीं ब्रेकअप, नाला सुपारा में क्लोजअप ही होता है, वहां ब्रेकअप नहीं होता है। इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, पागल कहेगी इंग्लिश सीखा करो। पता है मेरा जब क्लोजअप हो गया ना तो मेरा हाल तेरे नाम के राधे जैसा हो गया था। पागल हो गई थी? नहीं गंजी हो गई थी मैं। खैर सलमान जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप लोगों को कपड़े भी बांटते हो, 1 करोड़ रुपया दो ना। पागल है तू, पैसे कौन मांगता है ऐसे? मेरे को मुकेश ने सिखाया है, भगवान ने दो हाथ दिए हैं, टाइम मिले तो इमीडिएट फैला लेना चाहिए हाथ। और भाई दो ना आपको, क्या आपको पैसे की? हाँ पैर भी दिए। खैर पैसे दो ना आपको, पैसे की क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है आप हर जगह पे साइकिल पे जाते हो, कितनी सेविंग करते हो पैसे की। तुमको देखे तो फिर हमको क्या देखे? भाई मैं ना पार्ट टाइम एस्ट्रोनॉट भी हूं। अबे एस्ट्रोलॉजर, हमारे नाला सोपर में एस्ट्रोनॉट ही बोलते हैं। मैं ना हाथ बात भी देख लेती हूँ, मैं बताती हूँ आप। हाथ कैसा भाई, ठीक लगा तुम्हें? नहीं ड्राई है, इसको मैनिक्योर करना पड़ेगा मेरे को। अरे चांस ही नहीं। आपको मेरे पार्लर के बारे में बता दूं, ये हमारे पार्लर का मेन्यू है, इधर अलग अलग टाइप के मसाज रहती, देखिए बजरंगी भाईजान मसाज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को पूरा मसाज करके फिर कंधे पे बिठा के घर पे छोड़ के आते हैं।
और कौन सी मसाज है? और इसमें मैंने प्यार किया मसाज, उसमें क्या कस्टमर को लिटा के आंख पे खीरा लगाते हैं और फिर मैं पप्पी देके भाग जाती हूँ। दूसरा है जो उधारी में आते हैं ना, उनके लिए करण अर्जुन मसाज है। उनको क्या करते हैं, हम लिटाते हैं, बाहर से ताला लगा के भाग जाते हैं, फिर वो बीच में खड़ा होता है, बोलता है अरे क्या मेरी मसाज कब करवाएंगे, हम कहते हैं जब करण अर्जुन आएंगे। और जीरो बैलेंस मसाज, इसमें क्या, हाँ इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। अच्छा, मतलब हमने कस्टमर को मसाज किया, कस्टमर हमारा मसाज कर देता। ये ऐसा हम लोगों का फाटर सिस्टम है। ए, फाटर नहीं, बाटर सिस्टम। तो फाटर क्या होता है? फाटर वो जो फाट करते हैं और क्या? अच्छा वो, हाँ वो तो मसाज करते वक्त बहुत लोगों का निकलता है यहाँ पे। अच्छा भाई हाथ निकालना आपका। अरे इनके हाथ तो एकदम मर्दों वाले हैं। देखो सपना, सलमान भाई को टच मत करो, वो अपना मैनिक्योर करवाने पेरिस जाते हैं, तुम्हें पता? हाँ तो मैं नाखून कटवाने टेरिस जाती हूँ, मैंने कुछ बोला? कुछ बोला मैंने? अच्छा मुझे आपसे एक बायोलॉजी का सवाल पूछना था। किसका? सोशियोलॉजी का। किसका? तू जो भी हो लॉजी लगा लेना बाद में, किसका किसका पूछ। ये कैमरा बंद करना चाह रहे, थोड़ा पर्सनल है। अच्छा भाई ये हीरोइन लोग फाट मारती हैं क्या? ए, क्या सवाल पूछ रही है? नहीं मतलब ऐसा कभी पर्दे पे तो दिखाया नहीं हम लोगों को कभी ऐसा। ऐसा होना तो चाहिए, मतलब ऐसा कभी हुआ ऐसा एक्शन सीक्वेंस में गाने के वक्त ऐसा उठाते हैं कभी ऐसे कभी? चलो 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 निकलो यहाँ से, बकवास कर दिए। निकलो यहाँ, इतनी बड़ी औरत। सलमान भाई अरब भाई और भी कस्टमर में देख कर आती हूँ, ठीक है? ओके सिद्धूपा जी बाय। भाई ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं हमारे दोस्त जी। कौन कौन कुछ पूछना चाहता है जी? इनको माइक दे दीजिए। सवाल पूछना है तो खाया पिया कर कुछ। गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ मनप्रीत आनंद जी। मनप्रीत, सलमान सर से जानना चाहूँगा। सलमान सर, एक आम इंसान के लाइफ में जितनी भी खुशियाँ होती है, जो भी सर उनकी खुशी के जो भी सोर्स होते हैं, वो सब आपके पास है। गाड़ी है, पैसे हैं, बंगला है, और सर आपको इतने प्यार करने वाले, इतनी खूबसूरत फैमिली है। सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ अभी अभी भी कुछ छूट रहा है, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मुझे पाना है? अभी भी, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ कर। अभी ये शो से स्टार्ट किया हमने टीवी में, तो एसके टीवी इज प्रोड्यूसिंग दिस शो। थैंक यू। और कोई, कहाँ से आई आप? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आई एम इन मुंबई फॉर माय स्टडीज, आई एम परस्यूइंग लॉ। एंड इट्स अ हिंदी शो। लॉ कर रही हैं आप? वेलकम जी सर। थैंक यू सर। लॉ कर रही हैं आप? हाँ जी सर। सुनो मैं, आपको बड़ी जरूरत है। जी मेरा क्वेश्चन सलमान सर से है। सर जैसे आप अभी बहुत मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल मूवीज़ बना रहे हो, एंड पहले जो आप मूवीज़ बनाते थे बहुत रोमांटिक मूवीज़ एंड प्यार भरे मूवीज़ बनाते थे, तो सर क्वेश्चन इज़ लाइक क्या आपका प्यार से विश्वास उठ गया है? क्या बात है, गुड वन। So, मैं आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ रोमांटिक सॉन्ग पे, ताकि वो विश्वास वापस आ जाए। भाई ये मुझे ना बेस्ट क्वेश्चन लगा, और इतनी क्यूट लॉयर, ये तो जब सोचो जब लॉयर बन जाएंगी प्रॉपर अदालत में कितना अच्छा लगेगा। सर मेरे वकील ने कत्ल नहीं किया है, नहीं किया तो नहीं किया है, आप कुछ भी कह लो। जी ओके लास्ट क्वेश्चन। हेलो सलमान सर, हेलो अरबाज सर, हेलो सोहेल सर, हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर,
मेरा नाम घनश्याम है. घनश्याम है तो इतनी अकड़ क्यों है? घनश्याम सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप फिट हो, साथ में आप इतने इंस्पायर करते हो लोगों को, तो आप तीनों में से सबसे ज्यादा दम किसके पास है सर? उसके लिए सर मैंने एक रिक्वेस्ट की है कपिल सर के टीम से, एक मशीन मंगवाई है मैंने सर. है? कौन सी मशीन? हैमर मशीन है सर. मशीन आ जाएगी, हैमर है हमारे पास. सबसे पहले इसको ट्राई करवाओ. मंगाओ, मशीन कहाँ है? चल भाई आप ट्राई करो. मैं क्यों एक्सपोज होने लगा अभी? चलो ये इसमें सिर्फ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं. अरबाज भाई अभी आपकी बारी, 516 है. हाँ मेरी बारी है. रेडी? गुड. हाँ गॉन इज गॉन. चार सौ दो. एक मिनट. आपने कहा था सलमान भाई, अरबाज भाई और सहेल भाई, मेरा क्यों बीच में फालतू भी? सब लोग चाहते हैं आप एक बार. आजा तू आके मार ले भाई. आ जाओ आप आओ इधर. चल तू सम सब के आगे मार. नहीं सर इतना तो नहीं. मारते मारते ना मर जाना. सब टाइमिंग है टाइमिंग. अरे बात सुनो आप अपना बम उधर रह गए. चलो हटो पहले इस साइड साइड से हटो. फेंक दे क्या इधर उधर. थैंक यू ब्रदर. अरे नहीं इसके सर पे. अरे इधर आवे. ऐसे कैसे काम करवाता है हमारे सेलिब्रिटी से? ऐसे कैसे काम करवाता है? एक बार सलमान भाई, सोहेल भाई और अरबाज भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. तो सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन साथ में कल आएंगे हम सबके चहेते सलीम खान साहब. उनके सामने हम देखना चाहते हैं कि आप बोल पाते हैं कि नहीं. तो एक बार जोरदार तालियां खान फैमिली के लिए. तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. थैंक यू. गुड नाइट. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.